नर्मदे आर साथियों, ओम नमः शिवाय। मैं रवि नर्मदेश्वर शिवलिंग हट में आप सभी शिव भक्तों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आपको आज संध्याकालीन माँ नर्मदा जी के दर्शन करवा रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है माँ नर्मदा जी का। यह ग्राम बकाव के समीप माँ नर्मदा जी का तट है। देखिए वो हमारा गाँव ग्राम बकावा बहुत ही अद्भुत तरीके से माँ नर्मदा जी के तट पर बना हुआ है। ऐसे ही हम बहुत ही भाग्यशाली है जो हम माँ नर्मदा जी के तट पर बसे हैं। अब मैं आपको माँ नर्मदा जी में पाए जाने वाले नेचुरल नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन करवाऊंगा। देखिए मेरे पास हमने अभी कलेक्ट किए हैं माँ नर्मदा जी के नेचुरल नर्मदेश्वर शिवलिंग। देखिए किस प्रकार से माँ नर्मदा जी में यह बहुत ही इसमें देखिए किस प्रकार से नेचुरल ओम की आकृति बनी हुई है। और देखिए इसमें तिलक भी लगा हुआ है। बहुत ही अद्भुत तरीके से यह शिवलिंग यह नेचुरल है। बहुत ही नेचुरल प्रकार के नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इनको अभी शेप नहीं दिया गया है। यह जो भी शेप है यह माँ नर्मदा जी से नेचुरल निकाले गए हैं। देखिए इस शिवलिंग को, देखिए इस शिवलिंग में देखिए किस प्रकार से इधर भी चंद्रमा की आकृति बनी हुई है। देखिए किस प्रकार बहुत ही अद्भुत नर्मदेश्वर शिवलिंग। ये देखिए इसमें भगवान शिव स्वयं प्रतिष्ठित है। बहुत ही अद्भुत नर्मदेश्वर शिवलिंग है यह। ये देखिए नर्मदेश्वर शिवलिंग जनेऊधारी, यह नेचुरल नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इन शिवलिंगों को हम घर पर ले जाकर शेप देते हैं ताकि यह योनि बेस में अच्छे से फिट हो सके। देखिए मैं माँ नर्मदा जी के आपको लाइव दर्शन करवा रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत माँ नर्मदा जी, देखिए किस प्रकार से यह हम नाव के द्वारा यहाँ पर एक तट से दूसरे तट पर जाते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है माँ नर्मदा जी का। देखिए मेरे को एक और नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्राप्ति हुई है जिसमें मैं आपको बताता हूँ नेचुरल ओम की आकृति बनी हुई है। देखिए किस प्रकार से इस शिवलिंग में नेचुरल ओम की आकृति बनी हुई है। और यहाँ पर ओम के ऊपर यहाँ पर बिंदी भी बनी हुई है। नेचुरल है यह ओम की आकृति, बहुत ही अद्भुत तरीके से बनी हुई है। ओम नमः शिवाय साथियों। नर्मदे हर 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 महादेव।